इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैलेंस ऐड में क्या न्यू अपडेट आया है। देखिए, नॉर्मली जो क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट में पेमेंट करने के बाद जो रिक्वेस्ट आप डाल रहे हो, ज्यादातर जो है ट्रांजेक्शन आईडी में गलत कर रहे हो। कुछ लोग यूटीआर नंबर सही से डाल रही हो, कुछ लोग जो है ट्रांजेक्शन आईडी के प्लेस में गलत डाल रही हो, और कुछ लोगों का क्वेरी ये है कि सर, पहले जैसे हम पेमेंट गेटवे के थ्रू बैलेंस ऐड करके कूपन परचेज करते थे, उस तरीके का सिस्टम लगा दो। तो इसका बाद सारा कुछ लेने के बाद टीम मैनेजमेंट में डिसाइड करके आपके लिए पेमेंट गेटवे यहाँ पर लगा दी गई है। अभी बैलेंस ऐड आपको कैसे करनी है, वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर जो है सैंपली ये है, आपको ये याद रखना है, जो पेमेंट आप करोगे आपका कमीशन छोड़ के, मान लो कि आप एक रिटेलर हो और आपका कूपन का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो आपका कूपन का कॉस्ट 100 रुपीज है, 7 रुपीज आपको कमीशन मिलेगी, तो आपको 1000 पेमेंट करनी है। लेकिन रिक्वेस्ट आप जब करोगे तो 1070 रुपीज का रिक्वेस्ट आप करोगे। मान लो कि आपको पेमेंट 100 रुपीज के हिसाब से करनी है, रिक्वेस्ट 107 के हिसाब से करनी है, तो कैसे करेंगे वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले तो वेबसाइट में बहुत सारे कुछ अपडेट हुआ है, आप वेबसाइट लॉग इन करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं, वहां से भी आप जा सकते हो और यूआरएल आपके मॉनिटर में या आपके मोबाइल पे शो हो रही है। तो यहाँ पर सिंपली आने के बाद एड बैलेंस यूपीआई यहाँ पर ऑप्शन लगाया गया है, आप इसमें सिंपली क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको ये पेज आ जाएगा जहां पे आपको फॉर्म में आपको डिटेल्स भरनी है, आपका नाम भरना है, आपका यूजर आईडी भरनी है, आपका ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर और अमाउंट। अमाउंट इसमें 1000 से नीचे नहीं लेगा, 1000 या उससे ज्यादा आपको पेमेंट करनी है बैलेंस ऐड के लिए। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर 1000 पेमेंट कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, पेमेंट करूंगा नहीं लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे आपको करनी है, ठीक है। इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पर पे विद यूपीआई आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा, जो पहले वाला सिस्टम है क्यूआर कोड शो हो जाएगा, आपको इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसको कैंसिल या कुछ भी रिप्लेस मत कीजिएगा और ऑटोमेटिकली ये रिलोड हो जाएगा और आपके इस रिसीव कॉपी में आ जाएगा। रिसीव कॉपी में आने के बाद आपको सैंपली क्या करना है, इस रिसीव कॉपी से आपको ट्रांजेक्शन आईडी को उठाना है। तो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी उठा के रिक्वेस्ट करनी है। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखिएगा सक्सेस जब होगा, ट्रांजेक्शन स्टार्टअप आपका सक्सेस है, इसका बाद ही रिक्वेस्ट करना है। फेल्ड ट्रांजेक्शन आईडी से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद MIS पे जाना है, पेमेंट डिपॉजिट HO पेमेंट रिक्वेस्टिंग जो ऑप्शन है आपको उसमें क्लिक करनी है और इसमें ट्रांजेक्शन आईडी को डाल के रिक्वेस्ट करना है। आपको सबसे पहले अमाउंट 107 के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करनी है, याद रखिएगा जो भी बंदे रिक्वेस्ट करोगे 107 के हिसाब से करोगे, पेमेंट आपका जो चार्जेस है उसके हिसाब से करोगे। या सर ट्रांजेक्शन आईडी को उठाना है, नॉर्मल से चीज इसको कॉपी कर लेनी है, करने के बाद आपको इसमें डाल के आपको रिक्वेस्ट कर देनी है, बैलेंस आपको तुरंत मिल जाएगी और आप तुरंत पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। कूपन का कोई झंझट नहीं, आपका बैलेंस ही सब कुछ हो जाएगा। डिजिटल मोड मतलब फिंगरप्रिंट के थ्रू, अगर आपका आधार कार्ड से, कस्टमर का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप मंत्रा फिंगरप्रिंट से भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर रिसीव कॉपी भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बैलेंस ऐड कर सकते हो पेमेंट गेटवे के माध्यम से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत सपोर्ट दिया जाएगा। और याद रखिएगा जब आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अपने सिस्टम में एनीडेस्क इंस्टॉल करके रखिएगा। एनीडेस्क का आईडी आप इस व्हाट्सएप चैट पे भी आप शेयर कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको तुरंत सपोर्ट दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपको व्हाट्सएप में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आपको कॉल में भी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर कोई भी ऑनलाइन स्टाफ नहीं रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे हम कॉल बैक आपको कर लेंगे। तो आपको सपोर्ट का टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हो तो आईडी लेके फ्री में आप यहाँ पर साइन अप का है, ट्राई फॉर रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हो। धन्यवाद।